नमस्कार, मैं हूं श्री रामचंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, एक ऐसा YouTube चैनल जिसका इजाज विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने किया है और इसमें हम देखते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरें। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। पत्थरों में खुदी रामायण कथा, मास्क का नया विकल्प, वायु प्रदूषण से पेरिस की लड़ाई, अब रोबो पहुंचाएंगे दवाई, पेड़ आपस में बात करते हैं। इंडोनेशिया में एक नदी के किनारे पत्थरों पर पूरा रामायण खुदा हुआ देखने को मिलता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। कहना बहुत मुश्किल है कि कितने भारतीय घरों में रामायण की प्रतियां होंगी या कितने भारतीयों ने रामायण पढ़ा होगा, लेकिन इंडोनेशिया के उबुद बाली शहर की बात ही कुछ और है। यहाँ अयुंग नदी के किनारे संपूर्ण रामायण को पत्थरों में उकेरा गया है। ये नक्काशियां रामायण की कहानी दर्शाती हैं। अयुंग नदी इंडोनेशिया के बाली द्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे चेहरे को ढकने वाले मास्क की जगह एक नया विकल्प विकसित किया गया है जो सिर्फ नाक को ढककर प्रदूषण को रोकता है। आइए देखते हैं। कोरोना संसर्ग के दौरान मास्क पहनने की सख्ती से ऊब चुके लोगों के लिए एक नया विकल्प सामने आया है। एक ऐसा नाक का मुखौटा जो सांस द्वारा शरीर में आने वाले 90% हवा को फिल्टर कर सकता है। ये उपकरण उपयोगकर्ताओं को वायु प्रदूषण और एलर्जी से बचा सकता है। इसे नोजी कहा जाता है और यह चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क का एक अच्छा विकल्प है। इसमें एक सिलिकॉन सील है जो चेहरे पर सटीक बैठता है और एक क्लिप सुनिश्चित करती है कि यह अपनी जगह पर बना रहे। हर सील में एक सक्रिय कार्बन फिल्टर और एक हेपा फिल्टर लगा है। नोजी वाटरप्रूफ है और 100 घंटों तक चल सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेरिस में क्या कुछ किया जा रहा है, आइए जानते हैं। पेरिस अपने खतरनाक धुएं को खत्म करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 800 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दे रहा है। सन 2016 में पेरिस में प्रदूषण का स्तर बीजिंग से भी अधिक था। फ्रांस में हर साल वायु प्रदूषण के कारण 48,000 लोगों की मौत होती है। पेरिस 2024 में ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। दुनिया भर के खिलाड़ियों का स्वागत करने से पहले अपनी हवा को साफ करना चाहता है। आने वाली नई बसें यूरोप में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस खरीद मानी जाती है और पेरिस का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में अपने बेड़े में केवल स्वच्छ बसें रखना है। इसकी दो तिहाई बसें 2025 तक इलेक्ट्रिक होंगी और बाकी बायोगैस से चलेंगी। 2024 से डीजल कारों और 2030 से पेट्रोल कारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मरीजों को अब दवा देने वाले रोबो खा जाने को कहा जाएगा। वो सही जगह पर पहुंचेंगे और दवाई भी ठीक से असर करेगी। अब आ रहे हैं दवा पहुंचाने वाले रोबो जिन्हें मरीज निगल सकते हैं। स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने एक छोटा सा रोबो बनाया है जिसे दवा देने के लिए निगल लिया जा सकता है। एक गोली की तरह यह रोबो दवा तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह अपने लक्षित क्षेत्र तक पहुंच नहीं जाता। इस तरह दवा का अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की संभावना बढ़ती है। यह रोबो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके चलता है और अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए शरीर में भ्रमण कर सकता है। यकीन नहीं होगा, लेकिन पेड़ एक दूसरे से बात करते हैं। वो एक दूसरे को संदेश भेजते हैं और ये शास्त्रज्ञ कह रहे हैं। पेड़ वास्तव में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वैज्ञानिक इसे माइक्रोरीजल नेटवर्क कहते हैं। संचार करने के लिए वे रासायनिक हार्मोनल और धीमी गति से गुजरने वाले विद्युत संकेत भेजते हैं। वे सूखे और बीमारी के बारे में एक दूसरे को सूचित करते हैं ताकि वे तैयारी कर सकें। जब कोई जिराफ किसी बबूल के पत्तों को चबाता है तो पेड़ गैस के रूप से बेचैनी का संकेत भेजता है कि अन्य बबूल के पेड़ अपना बचाव कर सकें। जानवर अपने जख्म कैसे ठीक करते हैं, आइए जानते हैं जाते जाते। चिंपैंजी का उदाहरण लेते हैं। वैज्ञानिकों ने उन्हें हवा से कीड़ों को पकड़कर चबाते हुए और फिर उन्हें चोट पर लगाते हुए देखा है। अन्य जानवर भी अपने जख्मों का इलाज करते हैं या खुद को परजीवियों से बचाते हैं।
कीड़ों को दूर रखने के लिए कुछ खास पौधों की जड़ों को चबाकर उनके मिश्रण को अपने शरीर पर रगड़कर वे अपना और अन्य जानवरों का इलाज करते हैं। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।